तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे। ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक के लिए रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर 15 और 16 दिसंबर की। 15 और 16 दिसंबर को चंद्रमा आपके राशि स्थान से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जहां पर ये धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि में चंद्रमा का गोचर आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। यहाँ पर अचानक कोई घटना होने के चांसेस रहेंगे, या तो आपकी दुर्घटना हो सकती है, या आप कोई ऐसा अचानक फैसला ले सकते हैं, या तो अपनी फैमिली को लेके या फिर धन संबंधी कार्यों को लेके। साथ ही साथ कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आपके जीवन में अचानक बदलाव कर सकती है। तो ये समय काफी ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब वो अच्छी घटना होगी या बुरी घटना होगी, आपकी कुंडली में चंद्रमा की जो स्ट्रेंथ है उस पर ये डिपेंड करता है, और आपका चंद्रमा कुंडली में पीड़ित नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ चंद्रमा का ये गोचर आपके लिए कुछ अचानक ऐसा लाएगा, या तो अचानक पैसा आपके पास आ सकता है, या कोई ऐसा परिवर्तन आ सकता है आने वाले समय के लिए आपकी लाइफ में। साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रमा के होने से चंद्रमा देखेंगे सेकेंड हाउस को, तो आपकी वाणी में विनम्रता होगी और आपकी फैमिली के साथ आपके संबंध काफी अच्छे होंगे। साथ ही साथ इस समय में कुछ पैसा आप खर्च करेंगे, जो या तो आप अपनी फैमिली पर खर्च करेंगे या खुद पर खर्चा करेंगे। चंद्रमा के अष्टम में रहने से आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस रहेगा, मानसिक परेशानी हो सकती है, या किसी काम की वजह से बहुत ज्यादा बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है, तो ये आप थोड़ा सा जरूर देख सकते हैं। इसके बाद जो इनका अगला ट्रांजिट है 17 और 18 दिसंबर को, चंद्रमा एक राशि आगे बढ़कर मकर राशि में चले जाएंगे। मकर राशि में चंद्रमा का गोचर आपके लिए एक बार फिर से सामान्य रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि और गुरु दोनों ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो गुरु है वो नीच के हैं और शनि अपनी खुद की ही राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो नीच भंग कर रहे हैं। पर फिर भी आपको कुछ धार्मिक कार्यों को करने का मन बहुत ज्यादा रहेगा। साथ ही कुछ दूर की यात्राएं हो सकती हैं। एजुकेशन से संबंधित कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा गुरु का जो नीच का होना है वो कई बार बाधा डाल सकता है आपकी एजुकेशन में, और यही वजह है, गुरु के नीच होने की वजह से ही अभी तक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो खुले नहीं हैं ठीक से, और पढ़ाई अभी तक ऑनलाइन ही चल रही है। तो ये सबसे बड़ा कारण है गुरु का नीच होना, इसीलिए अभी तक सारा सब कुछ एजुकेशनल जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा प्रभावित चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको चंद्रमा के होने से भाग्य का साथ मिलेगा, पिता के साथ काफी अच्छे संबंध आपके रहेंगे। ये समय दूर की कुछ यात्राओं का आपके लिए हो सकता है, या तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या कहीं फॉरेन भी जा सकते हैं। चंद्रमा यहाँ से आपके थर्ड हाउस को देखेंगे, थर्ड हाउस पर चंद्रमा की दृष्टि होने से छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ संबंध काफी अच्छे होंगे। अगर आपके रिश्तेदारों के साथ आपका कोई विवाद चल रहा था, वो भी आपका इस समय में दूर होगा। तो ये समय कुल मिलाकर अच्छा कहा जा सकता है। शनि के साथ चंद्रमा का होना थोड़ा सा आपको डिसीजन में देरी करवाएगा, सोचने विचारने के लिए बहुत ज्यादा समय आपको मिलेगा, लेकिन जो भी निर्णय आप करेंगे वो बहुत ज्यादा सॉलिड करेंगे आप, और अपने निर्णयों पर आप टिके रहेंगे। साथ ही साथ इस समय में जो पत्रकार लोग हैं उनको इधर उधर कहीं जाना पड़ सकता है, थोड़ा सा भ्रमण ज्यादा करना पड़ सकता है न्यूज वगैरह को लेके। तो जो भी वो रिपोर्टिंग करते हैं उस रिपोर्टिंग में उनको थोड़ा सा थकान ज्यादा बढ़ सकती है। इसके बाद यहाँ पर जो इनका अगला ट्रांजिट होगा 19 और 20 दिसंबर को, 19 और 20 दिसंबर को चंद्रमा कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि में ये आपके दशम भाव में होंगे। दशम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर चंद्रमा के होने से आपको जो सारा ध्यान है कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ पर लगाना होगा, और आपके प्रोफेशन में इस समय आपको प्रमोशन का चांस मिल सकता है। जो लोग बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं जॉब पाने के लिए, उनको काफी अच्छी जॉब इस समय में मिल सकती है, या हो सकता है आपकी जॉब पहले कुछ समय पहले चली गई होगी तो वो अब आपके पास दोबारा हाथ में आ सकती है। इस समय में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका होगा, और ये 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही जो प्राइवेट जॉब में हैं उनके अपने बॉस के साथ संबंध काफी अच्छे रहने वाले। चंद्रमा यहाँ से आपके फोर्थ हाउस को देखेंगे, फोर्थ हाउस पर चंद्रमा की दृष्टि होने से आपकी माताजी के साथ आपके संबंध काफी अच्छे होंगे,
और कोई आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी काम अगर करते हैं तो उसमें आपको काफी लाभ होगा, या घर में कोई विवाद है तो वो सुलझ सकता है। साथ ही साथ ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो घर से ही काम कर रहे हैं, या घर का कोई उनका जरूरी काम है, तो आपके लिए समय काफी बेहतरीन रहने वाला है। इसके साथ ही साथ देखिए, ये समय आपको कोई प्रॉपर्टी से संबंधित फायदा करवा सकता है, माता से आपको सपोर्ट दिलवा सकता है, और घर का जो माहौल है वो आपको काफी ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि घर में शांति बनी रहेगी जिससे आपका मन काफी अच्छे से घर पर लगेगा। चंद्रमा इसके बाद अंतिम दिन यानी 21 दिसंबर को एक राशि आगे बढ़कर मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में चंद्रमा के होने से ये समय आपके लिए लाभ का रहेगा। कुछ जरूरी इच्छाएं जो आपको पूरी करनी थी, जो लंबे समय से आपकी चली आ रही इच्छाएं हैं, वो पूरी होंगी। साथ ही कुछ ऐसे काम जो आपने पहले रोक दिए थे किसी वजह से, या कहीं ना कहीं व्यवधान आ गया होगा, जो विशेषकर धन से संबंधित थे, वो अब आगे बढ़ेंगे। तो ये समय काफी अच्छा है, अंतिम दिन आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। साथ ही जो लोग मार्केटिंग करते हैं उनके लिए एक अच्छा समय होगा अपने प्रोडक्ट को बेचने का। चंद्रमा यहाँ से आपके पंचम भाव को भी देखेंगे। पंचम भाव को देखने से ये समय एजुकेशन के लिए अच्छा है, और स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय काफी अच्छा। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, या कोई अपनी जो क्रिएटिविटी है उसमें वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। चंद्रमा के इस गोचर में आपको कुछ ऐसे लोगों से भी संबंध होगा, या संबंध जुड़ेगा, जो आपकी आगे आने वाले समय के लिए काफी अच्छी मदद कर सकते हैं। तो चंद्रमा काफी अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। जाते जाते चंद्रमा अंतिम दिन काफी अच्छा रिजल्ट देकर जा रहे हैं, और पंचम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने से प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता मिलेगी। अगर पहले से ही आपका किसी से प्रेम संबंध है तो आपका आगे बढ़ेगा, और निश्चित ही आपको जो अगले आपका जो प्रेमी है उसका साथ मिलेगा। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है चंद्रमा की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जाता जाता चंद्रमा यानी वीकेंड में आपको काफी फायदा करवाने वाला है। साथ ही इस समय में आप अपनी संतान को लेकर थोड़ा सा भावुक होंगे, आप अपनी संतान के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस रहेंगे। हो सकता है आपकी संतान इस समय में आपको काफी अच्छा सपोर्ट करे। ये समय नई संतान दंपतियों के लिए भी काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। तो ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस वीक की जो शुरुआत है वो आपके लिए कुछ इस प्रकार से होगी कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर गहराई से सोचना होगा, कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके साथ हो सकती हैं उन पर विचार करना होगा। लेकिन जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके लिए स्थितियां काफी अच्छी होती जाएंगी, और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। तो वृषभ राशि वालों की जहां तक हम बात करें, समय काफी अच्छा है, बस आपको शुरुआती 2 दिन में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा पूरा वीक आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। तो इस वीक का आप किस प्रकार से फायदा उठाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस वीक में आपके लिए शुभ अंक रहेगा 6, और आपके लिए शुभ रंग रहेगा व्हाइट। फिलहाल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।